हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ कि आप जो है किसी को व्हाट्सएप करना चाहते हो तो बिना नंबर सेव किए किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज कैसे कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे फोटोज़ वगैरह किस तरह से सेंड कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोगों का ज़्यादातर ये चीज़ का ज़रूरत क्यों पड़ता है। किसी हम लोग रैंडम जगह पे चले गए, कहीं से घूमने फिरने के लिए चले गए और देखा कि भाई तुम्हारे पास तो बहुत ही तगड़ा मोबाइल है यार, तुम अपने मोबाइल से मेरा कुछ फोटोज़ निकालो। और फोटो निकालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, भाई तुम हमको व्हाट्सएप कर देना, ये मेरा नंबर है, नंबर में हमको जो है ना व्हाट्सएप कर देना और फोटोज़ को भेज देना। तो इस हिसाब से क्या होता है ना कि हम लोगों को नंबर सेव करने में बहुत ज़्यादा प्रोसेस, लंबा प्रोसेस करना पड़ता है कि यार सबसे पहले उसको डायल किए, फिर उसके नाम पे सेव किए, उसके बाद व्हाट्सएप पे जाके हाय हेलो किए, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, बहुत ज़्यादा लेट लग जाता है। और दूसरा चीज़ ये होता है कि कभी हम लोगों को अपना अगर कॉन्टैक्ट लिस्ट देखना पड़ता है, किसी को फ़ोन लगाना पड़ता है, तो उसमें एक रैंडम नंबर आया हुआ रहता है, रैंडम नाम रहता है जिसको हम पहचानते नहीं हैं। मतलब जब तक फोटोज़ निकाले, जब तक फोटोज़ लिए तभी तक पहचान है, उसके बाद जो है पहचान हमारी ख़त्म हो जाती है। तो हम लोग कन्फ्यूज़ में रह जाते हैं कि यार ये नंबर है किसका, ठीक है। तो आज मैं आपको ये जो सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ कि आप बिना नंबर सेव किए किसी को भी व्हाट्सएप कैसे कर सकते हैं, अपना फोटोज़ वगैरह या अपना कोई ऐसा चीज़, पर्सनल चीज़ आप कैसे ले सकते हैं या किसी को दे सकते हैं बिना नंबर सेव किए। सो चलिए दोस्तों, चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, आपको सारा डिटेल बताते हैं कि आप अपने मोबाइल से बिना नंबर सेव किए किसी को व्हाट्सएप कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल आसान से तरीके, बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। सो दोस्तों, अभी मैं आ गया हूँ मोबाइल के स्क्रीन पर। अभी मैं आपको सबसे पहले वही वाला प्रोसेस दिखा देता हूँ जो प्रोसेस नॉर्मली सब लोग करते हैं, जो प्रोसेस मैं भी पहले करता था जब तक मुझे ये नॉलेज नहीं था, ठीक है। तो अगर किसी को मतलब किसी को व्हाट्सएप करना था, तभी हम लोग क्या करते थे, जस्ट डायलर पे गए, यहाँ को भी नंबर सेव किया, इस तरह से ऐड कॉन्टैक्ट, न्यू कॉन्टैक्ट किया, इस तरह से सेव कर दिया। उसके बाद जो ना हम लोग जाते हैं व्हाट्सएप में, व्हाट्सएप में जाने के बाद इस एरिया में जाके जो ना रिफ्रेश करते हैं कि अभी मेरा 411 कॉन्टैक्ट है, तो अगर वो उस नंबर पर व्हाट्सएप रहेगा तो यहाँ 412 हो जाएगा, ठीक है। 412 हो जाएगा तो हम लोगों को ऐसा पता चल जाएगा कि यार इस नंबर पर व्हाट्सएप है और इसको हमको फोटोज़ वीडियो जो भी सेंड करना हो इसको अभी हम सेंड कर सकते हैं। तो अभी मैं आपका पूरा जो कन्फ्यूज़न है, पूरा सब चीज़ का जो सोल्यूशन है वो इस वीडियो में देने वाला हूँ। सो मेरा जो टेक्निक है, जो तरीका साधारण सा है, वो आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको डायलिंग वगैरह कुछ नहीं करना है, आपको नॉर्मली कुछ नहीं करना है। आप मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं, आप बेफिक्री से आप देख सकते हैं कि आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस चैनल पर जो है ना बहुत सारे जो ऐसा ट्रिक है वो देता रहता हूँ। सो आप देख सकते हैं मैं आ गया हूँ व्हाट्सएप पर, और व्हाट्सएप पे आने के बाद इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत सारे चैट्स हैं। तो अभी आपको यहाँ पर क्या चीज़ करना है कि आपका जैसे कि अगर कोई दूसरा नंबर होगा तो दूसरा नंबर पे आपको जो है ना दूसरे नंबर के साथ ही वो काम करना है जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ऐसे नॉर्मली लोगों के साथ जो है ना मतलब दो तीन नंबर, तो भाई अभी हर किसी के पास है, सिंगल नंबर कौन चलाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पर है माय ओल्ड नंबर, ठीक है। यहाँ मैंने काफ़ी सारे नंबर्स को सेंड करके रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो अभी मैं एक जो है रैंडम नंबर यहाँ पर दे देता हूँ जिसमें व्हाट्सएप नहीं है, ठीक है। देखिए मैं अभी 10 अंक का वो नंबर दे दिया, 2 4 6 8 10, 10 अंक का नंबर जो यहाँ पर अभी मैंने सेंड कर दिया, देख सकते हैं आप, ये सेंड हो गया है। अभी हमको क्या करना है कि जस्ट इस नंबर पर टैप करना है, ठीक है। इस नंबर पर टैप किया तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ गया है डायल, ये नंबर इतना इतना, ठीक है। उसके बाद एड कॉन्टैक्ट लिख के आ गया है, आप यहाँ से नंबर को भी सेव कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप डायरेक्टली यहाँ से जो है ना किस तरह से किसी को फोटोज़ वीडियोस वगैरह शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं जो नंबर ले रहा हूँ वो इस पर व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप आने के बाद कैसा होता है वो देख लीजिए। मैं अभी नंबर टाइप कर लिया, इसको सेंड कर दिया और जस्ट इसी नंबर पे सेम वे पे जो है इसको क्लिक किया और आप देख सकते हैं फाइनली ऊपर में लिखा हुआ है चैट विद, ठीक है। जिस नंबर पे अगर व्हाट्सएप का मतलब आईडी लॉगिन होगा, व्हाट्सएप खुला हुआ रहेगा, तो वहाँ पर ये जो पहला वाला ऑप्शन है वो खुल जाएगा और आप यहाँ से हाई हेलो कुछ भी सेंड कर सकते हैं। आप डायरेक्टली बिना नंबर सेव किए किसी को भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। बस यही था आज का वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।